بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Ali Reza and welcome to Pancreatic. Dawn, editorial, opinion, इन दोनों का हम करेंगे analysis with practice question. Today is 7th of November 2023. Today Dawn का ये वाला जो है इसमें हम क्या करेंगे? 1, 2 and 3. पहले इन तीन जो editorials को discuss किया जाएगा, then 4, 5, 6 and 7 ये वाले चार आपके जो ओपिनियंस हैं इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा, इनको एनालाइज किया जाएगा एंड स्पेशली रिगार्डिंग पेपर पर्सपेक्टिव कि इसमें से कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में हेल्प दे सकते हैं प्लस आपके आइडियाज को मैच्योर कर सकते हैं सो यू कैन क्लियर स्पेशली एसे. PDF लिंक जो है न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है. व्हाट्सएप लिंक का भी, उसका भी व्हाट्सएप का लिंक भी अवेलेबल है एंड जो भी आपको क्वेश्चन हो आपने कमेंट जरूर करना है और कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, कमेंट जरूर आपको करना. नंबर वन, थ्रेट असेसमेंट. थ्रेट असेसमेंट में बेसिकली पहले आपको मैं शेयर कर दूँ व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी क्या है जी. यस्टरडे जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था उसी के पॉइंट्स इसमें अंदर सारे के सारे उसने शामिल किए हैं प्लस वन एक नया ऐड कर दिया है और उसके बाद उसने आगे है इसको डील किया है. तो इसमें वो बताता क्या है कि पाकिस्तान में जो है ना अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक उनकी बात करता है कि टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हो जा रहे हैं, उन अटैक्स को यहाँ पर वो मैंशन करता है. ठीक है, देन वो काजिज बताता है कि ये क्यों हो रहे हैं. ठीक है, और उन काजेज में एक सबसे बड़ी अहम काज वो मिलिट्री फेलियर का भी, इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात करता है. और इसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं विद इंडिया और अफगानिस्तान उनकी स्टेटस उसको भी एक्सप्लेन करता है क्योंकि आपके ये पेपर का हिस्सा भी है पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबर्स और उसमें इंडिया भी आ जाता है और अफगानिस्तान भी आ जाता है. तो इस चीज़ को भी वो क्या करेगा, इसके अंदर डिस्कस करेगा. चलें जी, मिलिटेंट अटैक होता है जी, उसके बारे में बात करता है. कहता है जी ग्वादर में हुआ था और हमारे 14 फौजी जो है वो शहीद हो गए थे. पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पे हुआ मियांवाली में, ये गिनवार है. ठीक है ना, कहाँ कहाँ हुआ है. नंबर थ्री, फिर डेरा इस्माइल खान में और लकी मरवत में हुआ अटैक. और इसी तरह कहते हैं कि कल अटैक हुआ है कहाँ पर, जिसमें 4 हमारे जो फौजी हैं वो आर्मी के जो शहीद हो गए हैं जो कि खैबर में हुआ है. इसकी वजह से उसने जी दोबारा से ये वाला एडिटोरियल लिखा है. जो हमने यस्टरडे किया था उसके अंदर उसने इनकी इनकी बात की थी और प्लस ये वाला जो हुआ है ना खैबर वाला, इसकी वजह से इसने दोबारा एडिटोरियल को डिस्कस किया. अब कहता है ये तो अटैक्स तो हो रहे हैं, अब इन अटैक्स को कौन कर रहा है. कहता है तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो मियांवाली में अटैक था वो हमने करवाया था. और ग्वादर के अंदर जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे 14 फौजी जो जवान शहीद हो गए थे उसको किसने, जो बलोचिस्तान की सेपरेटिस्ट बलोच जो मूवमेंट है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमने ये वाला करवाया है. अब इस इन अटैक्स के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि जो सिक्योरिटी वाले आदमी हैं ना, सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं खास तौर पर मिलिट्री वाले हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है. और जो टारगेट करने वाले हैं उनकी आइडियोलॉजीज जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं सबकी, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट जहनीत है. कुछ वो हैं जिनको फॉरन फंडिंग मिल रही है, कुछ वो हैं जो मजहब के नाम पे अटैक कर रहे हैं, कुछ वो हैं जो नई रियासत के नाम पे अटैक कर रहे हैं, कुछ वो हैं जो अलहदा एक बलोचिस्तान बनाने के नाम पे अटैक कर रहे हैं. तो इस वजह से जो ये स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान के अंदर ये थ्रेट जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो चुका है जिससे पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है. ठीक है जी, अब ये सारी उसने चीज़ें आपको बता दी. अब वो आगे जाता है कि ये पेपर में, यानी कि ये आपको इंसिडेंट समझ आ गए, अब आ जाए पेपर की एक अप्रोच की तरफ. कहता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये क्लेम किया है कि दो हमारे जो हमसाए हैं, दो नेबर्स जो हमारे दो हमसाए हैं, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करके. ठीक है जी, दो हमारे हमसाए हमें क्या कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं. अब उन हमसायों में कौन कौन शामिल है, इंडिया शामिल है, इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तो इंडिया शामिल है और दूसरा अफगानिस्तान शामिल है. इन दोनों की तरफ वो इशारा जो है वो कर रहा है. तो इंडिया और पाकिस्तान के जो, इससे पता लगता है इंडिया और पाकिस्तान जो रिलेशंस हैं उसमें क्या है, फॉरेन एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है. यानी कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जस्ट लाइक जिस तरह फॉरेन एक्टर्स हैं ना,
कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्टर्स जो है पाकिस्तान की तबाही का जो सबब बनते हैं ना, उनमें से इंडिया एक है। ठीक है क्या जी? और ये कहता है कि हिस्ट्री में ये बात प्रूव हो चुकी है। कैसे प्रूव हो चुकी है? कि कई दफा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो बंदे हैं इंडिया के, वो ये पाकिस्तान में पकड़े जा चुके हैं, जिनमें एक गुलभूषण यादव भी था जो कि बलूचिस्तान में पकड़ा गया था। ठीक है, उसका भी केस था। एंड आगे वो कहता है, इन दिस रिस्पेक्ट द हॉस्टिलिटी विद इंडिया, इस तरह से जो हमारे जो इंडिया के साथ जो खराब तल्लुक है ना, वो काफी डिकेड्स पुराना। डिकेड कहते हैं 10 साल को, काफी डिकेड्स है इनके। जब से क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई है तब से हमारे जो इंडिया के साथ रिलेशन हैं वो खराब ही हैं। और क्यों खराब हैं? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, उनमें जो फंडिंग होती है वो इंडिया की तरफ से होती है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के अंदर आप ये बात लिख सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के साथ कहता है, जो हमारे रिलेशन है ना, वो तालिबान जो थे ना आने से पहले 2021 में, तालिबान की जब गवर्नमेंट आई है 15 अगस्त 2021 में, तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, उससे पहले कहता है कोई इतने अच्छे नहीं थे। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जब ये इनकी गवर्नमेंट आई है तो हमने ये इनकी विक्ट्री अब हुई है, तालिबान आए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में ने ये उम्मीद की कि अब हमारे जो इनके साथ ताल्लुकात हैं वो काफी अच्छे हो जाएंगे। मगर हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? और उल्टा बल्कि क्या हुआ कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है, वो क्या कर रही है? अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही है। और पाकिस्तान ने बारहा मरतबा तालिबान से रिक्वेस्ट की है कि इस जो फैक्शन को, जो ये वाला टीटीपी वाले हैं, ये आपकी सपोर्ट से ये काम कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करो, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। ठीक है? और ये क्यों नहीं वो तालिबान, इसको ये मैं अपने से आपको ऐड करके बता देता हूँ कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अटैक कर रही है, तो क्यों तालिबान इनको नहीं रोकते? क्योंकि जब तालिबान जो अमेरिका के साथ जंग में थे तो उस वक्त वो जो थे उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर थी। तो उन तालिबान को पाकिस्तान के जो नॉर्थन एरियाज में वो तालिबान आ जाते थे और वहां पर उनको रहायश प्रोवाइड की जाती थी, वहां पर वो रहते थे, फिर वो जाते थे जाकर अफगानिस्तान में, जो अमेरिकन फोर्सेज उनके ऊपर अटैक करते थे और फिर वापस आ जाते थे पाकिस्तान में। तो ये यहाँ उस वक्त इन्होंने उनको सपोर्ट किया और अब जब वो पावर में आ गए तो अब वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो तालिबान है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कह रहे। आगे चलते हैं जी। फिर वो आगे कहता है कि एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से जो है ना तालिबान पाकिस्तान के रिलेशन जो अफगानिस्तान के खराब हो सकते हैं और ज्यादा, वो है रिपेट्रिएशन ऑफ अफगान नेशनल्स। यानी कि पाकिस्तान ने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी वो वाले अफगानी जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास वीजा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, और वो पाकिस्तान में रहायश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो वापस चले जाएं। ये वो वाले अफगानी हैं जो पाकिस्तान में उस वक्त आए थे जब रशिया पाकिस्तान में आया था उस जंग के बाद, फिर जब अमेरिका की जंग हुई तो उस जंग में भी हिजरत करके ये पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन उसके बाद ये वापस भी नहीं गए। और अब पाकिस्तान ने उनको कहा कि जनाब आप वापस चले जाएं। क्यों वापस चले जाएं? क्योंकि यही लोग अभी जो पाकिस्तान में पहले 5 महीने में 14 जो है वो क्या हुए हैं, अटैक हुए हैं, कौन से सुसाइड अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और उन 14 में से जो 11 कर अटैक करने वाले थे वो अफगानी थे। तो इस वजह से पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि भाई इनको वापस भेजो। इनकी तादाद है तकरीबन 1.7 बिलियन के करीब पाकिस्तान में, तो जब इनको वापस भेजा जा रहा है अफगानिस्तान में जबरदस्ती, तो इस वजह से भी अब जो तालिबान है वो हमसे इतने कोई खुश नहीं है। और इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जो रिलेशंस हैं वो सख्त ही होने वाले हैं, इतने गुड नहीं होने वाले। ठीक हो गया जी, ये रहा इसके अंदर। अब उसकी जो सारी की सारी वो जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं ना, उसकी मेन जो वो वजह ये तो वो बता देता है कि इस वजह से आपको नाराज है, लेकिन वो कहते हैं कि मेन जो है वो है इंटेलिजेंस फेलियर। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर है, दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। इसके ऊपर फिर वो कहता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो उनको क्या करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड हर तरफ नजर रखनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो भी अटैक्स होते हैं उनसे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की फौज को, मिलिट्री फोर्सेज को सेव रखा जा सके। सो जी, ये था फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ वी मूव टूवर्ड सेकेंड एडिटोरियल। सेकेंड है एग्जिट स्टेज लेफ्ट। एग्जिट स्टेज लेफ्ट में बेसिकली वो बात करेगा इलेक्शंस की। ठीक है ना?
कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसकी, पाकिस्तान की प्रेजेंट इकोनॉमी की, और सबसे बड़ी बात वो बात करेगा कि जनाब ये इलेक्शन जो है ना ये फ्री एंड फेयर होने चाहिए। क्यों फ्री एंड फेयर होने चाहिए? क्योंकि इससे क्या है, रियल जो है लीडरशिप हमारे सामने आएगी और वही हमें ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से निकाल सकती है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर आप सीधा सीधा इसको फिट कर सकते हैं सारे, ठीक है, डेमोक्रेसी के टॉपिक के अंदर। के डेमोक्रेसी सब तब स्ट्रेंथन होती है जब आपके पास फ्री एंड फेयर ट्रायल होते हैं इलेक्शंस, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होंगे तो आपके पास एक अच्छी लीडरशिप सामने आएगी, और अच्छी लीडरशिप क्या करेगी, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनको फेस करेगी, उसका हल निकालेगी। तो दैट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक हो गया जी, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्शन डेट कहते हैं आ गई है, ठीक है, और इसके बाद वो कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनका जो एजेंडा है वो है नेशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं पावर के अंदर जिसके अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट भी ऐड करता है, ठीक है ना। वो उनका एजेंडा क्या है कि वो अब क्या करें इस चीज को, कि इलेक्शंस तो आ गए हैं, डेट अनाउंस हो गई है, साथ ही उनकी मेहनत भी शुरू हो गई है, और वो मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि राइट पर्सन को सिलेक्ट किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान की जो आने वाला दिन, आने वाला वक्त है उसमें लीडरशिप के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ इंडिविजुअल फोर्सेस जो हैं वो वर्क करना शुरू हो गई हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जबरदस्ती जो है ना पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना उसको डिक्टेट करना, ठीक है ना, जबरदस्ती का मतलब यही है कि इंटरफेयर करना पोल्स के अंदर, या जो भी ऐसे काम करना जिससे अपनी मर्जी का बंदा लीडरशिप में लाया जाए। ये जो है इससे क्या होगा, डिस्ट्रस्ट पैदा होगा किसके दरमियान, स्टेट के दरमियान और लोगों के दरमियान। इससे लोग खुश नहीं होंगे, ये जो जबरदस्ती के अपनी मर्जी से लीडर आप लोग लेकर आना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों के दरमियान भरोसा कायम नहीं रहेगा, स्टेट के दरमियान और लोगों के दरमियान। आगे वो कहता है कि जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ठीक है, सोसाइटी में और इकोनॉमी के, जो इस वक्त जो है अनटच रखे गए हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व नहीं किया गया, उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक क्रेडिबल लीडरशिप ही हल कर सकती है। और एक क्रेडिबल लीडरशिप कैसे आएगी, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, उससे एक अच्छी लीडरशिप आएगी, वो लीडरशिप पाकिस्तान की इकोनॉमी की, सोसाइटी की और पोलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल कर सकेगी, ठीक हो गया। लेकिन कहता है कि जो हमारे आपके प्रेजेंट डिसीजन मेकर्स हैं ना, उन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स को हमेशा इग्नोर ही किया है, इनकी तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की। आगे वो इकोनॉमी की बात करना शुरू कर देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन की बात करता है, फिर पॉलिटिक्स की बात करता है कि किस तरह से कोशिश की जा रही है अपनी मर्जी के बंदे लाने की, और उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करता है। कहता है ठीक है, ये बात मानने में समझ आ रही है कि कुछ हद तक पाकिस्तान ने पिछले महीनों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है, लेकिन वो कैसे हासिल किया उसके बारे में वो बताता है। नंबर वन पर कहता है टारगेटेड इंटरनेशनल एंड सेंसिटिव मार्केट्स, टारगेट करके सेंसिटिव मार्केट्स को इसने इकोनॉमी को बेहतर किया है, जैसे कि जखीरांदोजी जो करते थे उनको पकड़ा है, क्रैकडाउन उनके खिलाफ किया है, जो स्मगलिंग हो रही थी डॉलर को उसको रोका है, ठीक है, और इसके अलावा जो खास जो एरिया था जिन पर टैक्स नहीं लगा हुआ था वहां पर टैक्स लगाया है, तो इस तरह से इन्होंने कुछ इकोनॉमी को बेहतर किया है। और इसके अलावा कहता है एक ये एक इकोनॉमी बेहतर होने की ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि आईएमएफ जो रिव्यू था, आईएमएफ से जो हमने पैसे लेने हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, जो कि पिछले कुछ महीनों से स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स थी, तो उनका जो क्या हुआ है कुछ बेहतरी आई है, हमें हम पैसे मिलने की उम्मीद नजर आ चुकी है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई है। आगे वो कहता है कि ठीक है ये तो हमारी इकोनॉमी कुछ हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन हमें जो है ना बड़ी पिक्चर को बड़ी शक्ल में नहीं देखना, बड़ा करके देखना चाहिए, ठीक है ना, अलो अस टू लूज साइट ऑफ आवर बिगर पिक्चर, कि दूसरी तरफ जो इकोनॉमी की जो बुरा हाल है उसको भी देखो, ये तो वक्ती तौर पे हमने कुछ फायदा हासिल कर लिया है ना, अब बुरा हाल क्या है जी, करंट इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की वो फिर डिस्कस करता है। कहता है पाकिस्तान विल नीड टू इंटर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट विद आईएमएफ विद इन मंथ्स, कि पाकिस्तान को ये जो शॉर्ट टर्म बेल पैकेजेस मिल रहे हैं इनसे पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला, हम लोगों ने काफी इकोनॉमी को खराब कर चुके हैं, लिहाजा जो है हमें एक लॉन्ग टर्म जो है ना फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जरूरत है, किसके साथ, आईएमएफ के साथ, अगले कुछ महीनों में।
और अगर ये नहीं होती लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो दिवालिया हो जाएगी और हमारा और बुरा हाल हो जाएगा पाकिस्तान का। अब वो कहता है कि ये वाला जो लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है ना, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ नहीं होने वाला, ठीक है ना, इसके लिए हमें जरूरत है एक लीगल इलेक्टेड गवर्नमेंट की। तो ये एक लीगल इलेक्टेड गवर्नमेंट जब हम लेके आएंगे इस्लामाबाद में, वही जो है जाकर आईएमएफ से बात करेगी और एक लॉन्ग टर्म पैकेज की बात होगी, और पर हमें एक लॉन्ग टर्म पैकेज मिलेगा तो फिर ही हमारा जो है काम जो है ठीक होगा। और अगर ये काम नहीं होता, जिस तरह से उसने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, अपनी मर्जी के बंदे लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये वाला काम भी होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद कहते हैं कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ स्पेकुलेटेड, यानी कि असल अच्छी सही खबर नहीं, ऐसे रूमर हैं कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट पहले कोलेशन में थी ना, पीडीएड की पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जिसमें काफी पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि इस किस्म की गवर्नमेंट बनने जाएगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ एक वायबल पाथ जो है, फॉरवर्ड पाथ एक ही है, और वो है फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं, ऐसे इलेक्शन जिससे आपकी आवाम जो है वो सेटिस्फाइड हो। जब आपकी आवाम जो है उसे सेटिस्फाइड होगी, तो वो क्या होगा उन इलेक्शन से, तो फिर जो भी लीडर आएगा उसको वो मानेंगी, और वो लीडर इस्लामाबाद जाकर बैठेगा, इस्लामाबाद बैठकर फिर वो अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू डेमोक्रेसी का एक नारा लगाएगा, और फिर उस नारा लगाने के बाद वो जाएगा आईएमएफ के पास, और आईएमएफ का फिर वो तरला करेगा कि जनाब यारी हमारा मुल्क जो है वो गरीब है, मुझे मेरे पाकिस्तानी अवाम ने वोट के जरिए सिलेक्ट किया है, और अब उन सब ने मुझे भेजा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करो, तो मेरे पास यही हल है कि आप मुझे एक बड़ा सारा लोन दे दें, एक लंबा सा लोन दे दें, ताकि क्या हो जाए मेरी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का बंदा लेके आते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, तो वो बंदा भी जाएगा तो आईएमएफ के पास, लेकिन आईएमएफ भी वाले भी बच्चे नहीं है, वो भी उसको पैसे तो देंगे, लेकिन हो सकता है फिर उसका क्या करें, इंटरेस्ट वो ज्यादा लगा दें या पैसे दे ना, तो काफी कुछ होने वाला है। तो ये थी जी सेकंड वाला एडिटोरियल। थर्ड वाले में आ जाते हैं जी। थर्ड वाले में है वन पार्टी स्टेट, इसमें वो बांग्लादेश की बात कर रहा है। आपको अब यहां से ये पता चलेगा कि दुनिया सारी में एक जैसा ही हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में पीटीआई गवर्नमेंट को सारे वो फैंड ही लगा रहे हैं ना, कि ये ना कहीं पावर में आ जाए, ठीक है ना, तो इसको तुन रहे हैं अच्छे तरीके से, तो बांग्लादेश में भी यही हालत है। बांग्लादेश की जो 19 साल से एक ही पार्टी, एक ही जो है वो बैठी हुई है पावर के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी इसके अंदर। तो वो क्या कर रही है कि जो भी अपोजिशन पार्टीज के जितने भी बंदे हैं ना, उन सबको वो भी अच्छे तरीके से तुन रही है, क्योंकि नेक्स्ट जो जनवरी में उनके भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसने कहा कि इलेक्शन से पहले उनका क्या कर दो, जरा अच्छे से उनकी वो उनको ना सही तरह से फिट कर दो, ताकि इलेक्शन में वो परफॉर्म ही ना कर सकें, ठीक है। उनके खिलाफ केसेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, उनके सपोर्टर्स को उठाया जा रहा है, किसकी मदद से, उनकी आर्मी की मदद से, उनकी पुलिस की मदद से, और उनकी जुडिशरी की मदद से, ठीक है। तो ये है जी, क्या ये इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में वो अब आपको बताएगा बांग्लादेश के बारे में। तो इसके सुनने के बाद आपको कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये पाकिस्तान अकेला ही नहीं है, जहां जहां दुनिया में डेमोक्रेसी का नारा लगता है, वहां वहां पर जो अपोजिशन वाले होते हैं उनको फिर क्या होता है, एक रगड़ा जरूर लगता है। ठीक हो गया, अब चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। वन पार्टी स्टेट, वन पार्टी स्टेट से मतलब बांग्लादेश को कह रहा है कि वहां पर एक ही पार्टी क्या रह जाएगी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ही पार्टी रह जाएगी, क्योंकि बाकी पार्टियों को तो इन्होंने खुले लाइन लगा दिए। बांग्लादेश कहता है, बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आती है इकोनॉमिक सक्सेस ओवर द ईयर, क्योंकि पिछले कई सालों से बांग्लादेश इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गारमेंट इंडस्ट्री बड़ी जो है बेहतर हो रही है, गुर्बत कम हो रही है। मगर कहता है इन दोनों कामों के साथ साथ एक और भी काम हो रहा है, वो क्या, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो रही है, कि सियासत जो है ना उसको क्या किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे वो स्टोरी एक्सप्लेन करता है, शुरू करता है, कहता है रिसेंट क्रैकडाउन हुआ है अपोजिशन फिगर्स के ऊपर और लीडर्स के ऊपर, यानी कि अपोजिशन पार्टी जो है बांग्लादेश में उसके कुछ लीडर्स के दरमियान क्रैकडाउन किया गया है, ठीक है, और तकरीबन 8,000 के करीब उनके जो एसोसिएट्स हैं विद द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये पार्टी का नाम है,
उसके कितने 8,000 के करीब जो बंदे हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। और दीज नस जनरल इलेक्शन शेड्यूल फॉर जनवरी, जनवरी में इलेक्शन होने वाला है और 8,000 के करीब बंदों को अरेस्ट कर लिया गया, जिस तरह पीटीआई टू किया, कहाँ किया जा रहा है जी, पाकिस्तान के अंदर। असद कैसर को अरेस्ट कर लिया है और भी कईयों को अरेस्ट कर लिया, आगे एक ओपिनियन आएगा उसके अंदर उसने इनको बताया है। तो ये हो रहा है बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ, बांग्लादेश में उनके 8,000 बंदरों को पकड़ लिया, तब पकड़ लिया जब जनवरी में उनके यहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो इससे इसको कहते हैं पोलिटिकल विक्टमाइजेशन। तो वहां पर ये पैटर्न चल रहा है। अब ये कौन पैटर्न चला रहा है जी, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। कहता है जी पिछले चार दफा जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है शेख हसीना वाजिद, ठीक है, ये चार दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है बांग्लादेश की। तो अब उसने क्या किया है, उसने एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच बना लिया है। ऑटोक्रेटिक अप्रोच का मतलब ये है कि मैंने ही गवर्नमेंट चलानी है और मैंने ही गवर्नमेंट में रहना है। और उसने जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उन सब की उसने धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि वो पिछले 19 साल से गवर्नमेंट में है, 19 साल से पावर में है जी शेख हसीना। और 19 साल के बाद अब उसको डर लगता है कि कहीं दूसरा बंदा आके मुझसे ये सीट ना लग ले जाए, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या कर रही है, अपोजिशन को जो भी उनको नुकसान पहुंचा सकती है वो पहुंचा रही है। और उसके लिए वो क्या कर रही है, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है और या फिर जुडिशरी है, इन तमाम इंस्टीट्यूशन ने उसने क्या किया हुआ है, अपनी मर्जी के बंदे लॉयलिस्ट अपॉइंट किए हुए हैं ताकि वो अपोजिशन वालों को नुकसान पहुंचाए। जिस तरह पाकिस्तान में होता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो ब्यूरोक्रेसी की अपनी मर्जी के बंदे लगाता है। क्यों लगाता है, ताकि जब इलेक्शन आए उसे फायदा पहुंचा सके, जब इलेक्शन आए करीब आए तो वो अपोजिशन के जो बंदे हैं उनको नुकसान पहुंचा सके। और यहाँ पर भी आम आपने देखा होगा पकड़ तकड़ होती है, अपोजिशन के बंदों को उठाकर ले जाते हैं। और ये भी रिसेंटली तो हुआ ही है पाकिस्तान में, जब पीटीआई गवर्नमेंट ने पंजाब से रिजाइन दिया तो परवेज लाही को उठा कर ले गए, इमरान खान को उठा कर ले गए, सबको उठा के ले गए। तो वही वहां पर भी वही हो रहा है। कहता है इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या होने वाले हैं, नतीजा क्या निकलने वाला है। नतीजा वो यही कहता है कि इससे क्या होने वाला है कि जो गवर्नमेंट का एजेंडा है ना, हैव बीन स्वेयर द अपोजिशन लीडर्स, तो वो बड़ा ही नुकसानदेह है। और जब ये लॉयलिस्ट उसने लगाए हैं, तो ये लॉयलिस्ट क्या कर रहे हैं, उनके जो आर्टिस्ट हैं अपोजिशन लीडर के, उनको, जर्नलिस्ट को, उनके एक्टिविस्ट को, उन सबको क्या कर रहे हैं, उनको उठाकर ले जा रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने में ये है कि उनको अननोन जगहों पर रखा जाता है, उनको डराया जाता है, उनके उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि सब होने के बाद अब लग रहा है कि बांग्लादेश में सिर्फ एक ही पार्टी बचने वाली है, वन पार्टी स्टेट, हसीना वाजिद की, सिर्फ एक ही पार्टी बचने वाली है। कहते हैं अपोजिशन कहती है हम तो रिस्टोर करना चाहते हैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, किसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर। और लेकिन वो कह रहा है इसमें हमें बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जैसे है इम्प्रिजनमेंट है फॉर्मर प्रीमियर खालदा जिया, उसको कैद करके रख लिया हुआ है, और उसके बेटे को मुल्क से एग्जाइल ऑफ खरसान, मुल्क से बाहर भेज दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया है। तो ये नुकसान किसको हो रहा है, सारा अपोजिशन को हो रहा है, जिस तरह यहाँ से नवाज शरीफ बाहर चला गया था, तो यही इस तरह से दूसरी दुनिया में भी हो रहा है। अब वो आगे कहता है, जो एडिटोरियल वाला है वो अपनी अपनी अकल के मुताबिक मशवरा दे देता है, और कई मशवरे इसके ऐसे होते हैं जो कि काबिल इस्तेमाल भी नहीं होते, और वो बाहर दे देता है। कहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या चाहिए कि वो क्या करे, एक्सप्रेस करे कंसर्न ओवर दिस, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर वो गौर फिक्र करे। यूएसए को कहता है कि यार आप इम्पोज करें सैंक्शन, खास तौर पर पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। यहाँ से मुझे ये वाला पढ़ के बड़ा ही दुख होता है कि यूएसए को कहा जा रहा है कि आप सैंक्शन जो है वो किसके ऊपर लगाएं, उनके ऊपर, खास तौर पर पुलिस के वालों के ऊपर जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की क्या की है, वायलेशन की है, अपोजिशन वालों को पकड़कर। अब गजा के अंदर आप देखें हजारों बच्चों का मर्डर कर दिया इसराइल ने, और वहां पर यूएसए क्या सैंक्शन लगा रहा है। तो ये एडिटोरियल लिखने वालों का फिर जो है ना, यहाँ से आकर बस दिल करता है बंदा क्या करे, ठीक है। और यहाँ वो उसको कह रहा है, कोई और बात कर लेता यार तू। एज बांग्लादेश अप्रोचेज ए पिवोटल सेक्शन इलेक्शन, कहता है जहां पर बांग्लादेश में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको क्या कहे, डेमोक्रेटिक नेशंस दूसरी जितनी भी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी भी है, उसको ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए सिचुएशन को, और डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है उसके ऊपर डालना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमेटिक प्रेशर समझ आता है, लेकिन ये चीज़ तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, बड़ी तकलीफ दह चीज थी ये। द पीपल ऑफ बांग्लादेश डिजर्व अ फ्री फेयर इलेक्शन विदाउट फियर ऑफ पोलिटिकल विक्टमाइजेशन, बिल्कुल ठीक है जी। हर दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो जी ये था आपका थर्ड एडिटोरियल। अब आगे चलते हैं जी,
आगे हम डिस्कस करेंगे आप ओपिनियंस, और ओपिनियंस के अंदर जो नंबर वन पे आ जाता है वो है फॉग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस की बात की जाएगी इसके अंदर जी, फॉग ऑफ इलेक्शंस में। इसमें ये जो जर्नलिस्ट है ये क्या एक्सप्लेन करती है कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इलेक्शंस। इसमें वो कहती है कि इलेक्शंस की जो है डेट दे दी गई है, ठीक है, वो क्या है, फरवरी 8 जो है वो इलेक्शंस की डेट दे दी गई है। फिर वो आगे कहती है कि ये जो इलेक्शंस की डेट दी है इसमें क्या है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा सीरियस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े सीरियस थे, सीरियस तो लग रहे हैं। तो फिर वो कहती है कि क्या वाकई ही इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, और अगर होंगे तो ठीक है अच्छी बात है होने चाहिए, लेकिन क्या जो इलेक्शंस जो लेट हुए हैं उसको आप ब्लेम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही देना चाहिए या कोई और भी रीजंस हो सकती हैं। तो उसमें वो कहती है कि मल्टीपल फैक्टर्स, फिर आगे एक्सप्लेन करती है कि वो है जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। नंबर वन वो कहती है कि नवाज शरीफ जो वापस आया है वो इस चीज की अक्कासी करता है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो सारी एक बातचीत करके डिस्कशन करने के बाद वापस आया है, तो वो ऐसे वापस उसने नहीं आना था। सेकेंडली भी कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कहती है कि ये जो टाइम अभी गुजर रहा है ना, डेट इज अ ट्रम्प कार्ड फॉर अस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है, और इस कार्ड में अगर हम इलेक्शन जो है वो करवा देते हैं तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, तो लिहाजा हम जो है इलेक्शन जरूर करवाएंगे, और इस वजह से भी लग रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। असल में फोग ऑफ इलेक्शन की बात वो कर रही है कि क्या अभी भी कोई ऐसी चीजें हैं जो लगती हैं जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकता है, तो वो बताती ये है कि ये मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिनकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्शन हो सकता है, और वो चीजें वो स्टेप बाय स्टेप बताती जाएगी। और इसमें अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर में पर्सपेक्टिव में तो मुझे इसमें कुछ खास चीज नजर नहीं आई, लेकिन एक दो तो आइडियाज हैं जिनको आप एज ए मेच्योरिटी जो है वो गेन कर सकते हैं, और बाकी जितने भी ओपिनियंस होते हैं उसमें जाहिर है आपका मेच्योरिटी लेवल तो इंक्रीज होता ही है। आगे वो आ जाती है, आगे वो कहती है कि जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है ना, राइट नो फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं, और जो जो अभी के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स चल रही है पाकिस्तान में, तो उसमें क्या है कि ये एक बड़ी क्लियर बात है कि जितने भी जैसे IMF है, जब अभी मैंने एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि IMF जो है वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं देने वाली अगर पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, ठीक है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट IMF जो है उसको लंबा कोई भी पैकेज देने वाली नहीं है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इस वजह से मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को देख करके पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। और अगली एक और चीज भी कहती है, यहाँ पर IMF फंडिंग की बात करती है, और इसके अलावा गुल्फ स्टेट्स की भी बात करती है कि गुल्फ स्टेट जैसे मिडल ईस्ट वगैरह है, सऊदी अरेबिया है, दूसरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, असिस्टेंट करेंगे आपके असिस्टेंट्स, किसके पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, तो कह रही है कि वो उसी सूरत में करेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के लिए इलेक्शंस का होना जरूरी है, तो इस वजह से भी क्योंकि अब पाकिस्तान को इकोनॉमी काफी खराब हो चुकी है, पैसों की जरूरत भी है, तो लिहाजा पाकिस्तान अब मजबूर हो चुका है कि वो इलेक्शन करवाए, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट से ज्यादा देर हम काम नहीं चला सकते, इधर के काम तो चला सकते हैं लेकिन बाहर वाली दुनिया जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ कोई नए मुआहदे करने को तैयार नहीं होती। तो ये थे कुछ बड़ी बड़ी चीजें जिसकी वजह से उसने कहा है कि इलेक्शन होने पाकिस्तान में जा रहा है। आगे वो कहती है कुछ स्मॉलर साइंस भी हैं, तो मैं स्मॉलर साइंस को भी डिस्कस कर देती हूँ। स्मॉलर साइंस में वो कहती है कि मुझे नजर आ रहा है नंबर वन पे, तो मुझे नजर आ रहा है अरेस्ट कि जो किसकी PTI के जो वर्कर्स हैं उनकी उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जैसे कामरान बंगेश को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना, और इसके अलावा असद कैसर को कहती है अरेस्ट कर लिया गया, फवाद चौधरी क्योंकि वो भी पार्टी छोड़ भी चुके हैं फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इस चीज की अक्कासी करती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। फिर वो आगे जर्नलिस्ट की बात करती है कि जो जर्नलिस्ट है उनको भी कहा गया है, हदायत दी गई है कि जनाबी अली अब आप जरा खामोश रहे, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, उनको पैसे दिए गए हैं, ब्लैकमेल किया गया है या जो भी किया गया है, तो इसका भी मतलब है कि इलेक्शन होने वाला है। और जाहिर है कहती है कि जर्नलिस्ट को पैसे दिए जा रहे हैं या अपनी फेवर में बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो कोई पागल तो नहीं है ना कितने पैसे जाया करेगा, तो पैसे जाया करने के लिए किसी के पास भी नहीं होते, हर बंदा अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है उन पैसों को, तो अभी के लिए जर्नलिस्ट को पैसे दिए जा रहे हैं कुछ चीजों के ऊपर खामोश रहने के लिए और कुछ चीजों के ऊपर बोलने के लिए, तो इसका मतलब भी
यही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। अब यहाँ पर वो कहती है बट, कहती है बट हमेशा बीच में आ जाता है, कोई भी आपका बात कर ले तो बट कहती है, बट में हमें क्या नजर आ रहा है, बट में कहती है हमें ये नजर आ रहा है कि पिछले क्योंकि 6 माह से जो है ये चीजें तो वो थी जिसमें इलेक्शन जो बताया कि होने जा रहा है। अब इलेक्शन के थोड़ा सा आगे वो चली जाती है और वो कहती है कि पीटीआई को जो है तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी जो है पीटीआई उस हद तक नहीं टूटी कि पीडीएम जो है वो अच्छे तरीके से जीत सके या जो वोट गेन कर सके। उसके बाद वो पंजाब की बात करती है और केपीके की बात करती है, कहती है पंजाब में भी जो है पीटीआई जो है अभी भी लोग वेट कर रहे हैं और केपीके के भी अंदर वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन आए और हम जो है किसको वोट डालें, पीटीआई को वोट डालें। तो इस लिहाज से वो कहती है कि अभी पीटीआई इतनी कमजोर नहीं हुई है। और फिर वो कहती है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो नंबर गेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने नंबर्स पूरे करने होते हैं कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए, और ये कोई इजी टास्क नहीं होता। कहती है इतना इजी टास्क अगर होता तो मुशरफ ना कर लेता, मुशरफ के लिए भी काफी मुश्किल हो रही थी उस वक्त नंबर गेम्स को वो स्क्योर करने करने में, और वो स्क्योर कर भी नहीं सका। इसी तरह से 2018 के इलेक्शन की बात करती है जिसमें क्या हुआ कि जब बाद में ग्रांड अलायंस भी बनाया गया, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो पार्टीज ने बनाया जो जीती थी ताकि हम क्या कर सकें पीटीआई को काउंटर कर सकें, लेकिन फिर भी वो इम्पोसिबल था। एंड फाइनली वो कहती है कि इस वक्त तो ये नजर आ रहा है कि जो प्लान्स है ना वो समझ नहीं आ रहे, को क्लियर नहीं आ रहे कि कौन गवर्नमेंट में आने वाला है और कौन क्या करने वाला है, और ना ही इकोनॉमी की समझ आ रही है कि इकोनॉमी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये दोनों का लिंक जो है पॉलिटिक्स में कौन आएगा ये डिफाइन करता है इकोनॉमी को। तो जनाबी अली, ये था आपका पहला एडिट ओपिनियन जिसके अंदर उसने फोग ऑफ इलेक्शन को डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। आगे ये एक पिक्चर थी नेक्स्ट ओपिनियन को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि जो नेक्स्ट ओपिनियन ये वाला है ये है जनाबी अली गजा के ऊपर। तो गजा को मैं डिस्कस करूं इससे पहले कि इसने गजा के बारे में क्या एक नया पर्सपेक्टिव में बात की है, उसको शेयर डिस्कस करने से पहले ये जी आज का जो है कार्टून आया है, कार्टून में कहता है कि जो हमास का चीफ है ना उसने अपील की है मुस्लिम और उम्मा उम्मा मुस्लिम उम्मा से अपील की है कि मुझे सपोर्ट करो, और मुस्लिम उम्मा में उसने कहा कि दो ही नजर आ रहे हैं ओआईसी और अरब लीग, और इन दोनों के ना तो पैर हैं और ये देखें हाथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टैचू बने पड़े हैं, यानी कि दे कैन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते ये। तो लिहाजा उस हमारे भाई की जो अपील है ना हमास वाले की के उम्मत तो समझ लो जाया चली गई। ठीक है, तो ये है रियलिटी, सोशल मीडिया नहीं, दैट इज रियलिटी, और यही रियलिटी है इस वक्त, कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। आगे जी, अगला जो एडिटो ओपिनियन है ये अब गजा के बारे में है, और इसमें वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो गजा है उसको क्या कर दिया गया है, एक कंसंट्रेशन सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसराइल ने क्या किया है, वहां पर लोगों की जानें ले ली हैं और उनको क्या कर दिया है, एक जेल में कैद करके रख दिया हुआ है, जिस तरह होता है किसी को कैद करके रखना। इसमें जो राइटर है काफी इसको अच्छे तरीके से यानी कि एक्सप्लेन यानी कि वो इस तरह से करता है कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का भी टच देता है और मतलब और डिमेंशन को उसके साथ जोड़ता है। शुरू करते हैं जी, कहता है जी एक इंटरव्यू होता है CBS 60 मिनट्स, ठीक है, हिस्ट्री में, और वहां पर मेटलिना अल्ब्राइट जो है उससे ये क्वेश्चन करती है लेस्ले सेठन, वो उससे क्या करती है क्वेश्चन करती है, और वो क्वेश्चन क्या करती है, वो कहती है कि जनाब कि आपका आप क्या कहेंगे इस चीज के बारे में कि यूनाइटेड स्टेट ने जो सैंक्शंस लगाई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सैंक्शंस लगाई हैं उससे जो इराकी बच्चे हैं, ठीक है ना, ट्रैजिक इफेक्ट्स उसके क्या इफेक्ट्स होंगे इराकी बच्चों के ऊपर। ठीक है, ये पुरानी बात कर रही है। ठीक है, और फिर वो कहती है कि हमने सुना है कि मिलियन ऑफ चिल्ड्रन जो है इराकी जो बच्चे हैं ना, मिलियन ऑफ चिल्ड्रन वो फोत हो चुके हैं। ठीक है, और फिर वो आगे कहती है कि दैट इज मोर देन चिल्ड्रन, जो हिरोशिमा में आपने अटैक किया था ना, जो वहां पर बच्चे फौत हुए थे ना, तो जो आपने इराक के ऊपर सैंक्शंस लगाई है उससे वहां पर बच्चे जो फौत हो चुके हैं उनसे ज्यादा हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ठीक है ना, तो एंड यू नो इज द प्राइस वर्थ इट, तो क्या है ये, तो उसका फिर जवाब कहते हैं उसने जो जवाब उस वक्त दिया था ना वही जवाब आज अगर आप इसराइल जो कर रहा है हमास वालों के साथ उसके ऊपर फिट करें ना तो फिट बैठता है, वही जवाब जो आज से कई साल पहले ये जो इसको जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव था उसने दिया था, आज भी वो फिट हो रहा है। उसने जवाब ये दिया था, उसने कहा था कि जनाबी अली ये जो है ना हर चीज की कीमत होती है, ठीक है ना, द प्राइस इज वर्थ इट।
हर चीज की जो होती है ना कीमत जो होती है उसको डिसाइड करती है। और वो कहता है अल्बर्ट का जो आंसर था रिस्पॉन्स इज लाइक इक्वल स्लैटर, उसमें यानी कि वो कहता है कि अभी अगर हम देखें ना वो क्या आंसर आंसर किस तरह फिट होता है अभी के, ये है कि अगर जब आप इसराइल को कहते हैं कि जनाबे अली वहां पर अमेरिका को कहते हैं यूएसए को कहते हैं कि उनको बंद कर दो लड़ाई को, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है इस रोज जो इनोसेंट लोगों का ब्लड शेड हो रहा है इसको रोकने का मतलब है हमास की मदद करना, इसको रोकने का मतलब है हमास की मदद करना। तो इसी तरह वो कह रहे थे कि अगर हम सैंक्शंस नहीं लगाते वहां पर इराक में तो बच्चे तो ठीक है मर रहे हैं लेकिन इसका मतलब है कि उनकी एनिमीज जो हैं दूसरे जो वहां पर लोग हैं उनकी मदद करना जो अमेरिका के एनिमीज हैं। तो ये है जी इनका जो मेन था कि अगर हम ब्लड शेड को रोकते हैं वहां पर इसराइल में तो इसका मतलब है फलस्तीन में तो इसका मतलब है हमास की मदद करना, और हम हमास की मदद नहीं करेंगे चाहे कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, चाहे वो कीमत आपको ही चुकानी पड़े आपके बच्चों की मौत की शक्ल में। आगे वो कहता है कि दुनिया जो है वो हमास को लेकर गजा को लेकर कंटिन्यूसली क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इसराइल जो है वो क्राइम्स करी जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वो वहां पर नहीं कर रहा तो उसको इसका कोई सरोकार नहीं है इतना ज्यादा। आगे वो कहता है कि ये जो प्लान था ना इस ये जो अभी इस अक्टूबर 7 का अटैक हुआ इस प्लान से यूएसए जो था ना वो पहले ही उसको पता था, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या सच्चाई है लेकिन उसने कहा कि वो पहले ही इस चीज के ऊपर काफी हद तक उसको आइडियाज आ रहे थे कि हमास विल अटैक। लेकिन कहता है कि जो बिजमैन नेतन्याहू है ना इसराइल का, उसने इस अटैक का बड़ा इस अटैक की वजह से बड़ी एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो डील लिंक कर दे गजा को वेस्ट बैंक से। आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप दिखा दूँ फॉर सम, अब ये मैप है तो यहाँ पर है वेस्ट बैंक और यहाँ पर है गजा, इस मैप की आगे भी यहाँ पर भी बात होगी ठीक है ना। तो अब ये जो मैप है ना इस यहाँ पर गजा है और ये वेस्ट बैंक है, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो बनता है फलस्तीन, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है समुंदर है ठीक है, लेकिन ये क्या है ये बिल्कुल ही बंद है इलाका ठीक है। तो ये जो थी ना चीज ये दोनों आपस में लिंक जो है ना इन लिंक का लिंक ये जो है ये चाहता था खत्म हो जाए इनका लिंक आपस में, ये आगे बात होगी। तो इसको मौका मिल गया अपनी ये वाली अप्रोच जो है पूरी करने का, तो इसने अब इतनी इसके ऊपर बम्बारमेंट कर दी है, ये चाहता है कि ये खत्म ही हो जाए गजा, तबाह बर्बाद ही हो जाए। और ये जो है इसकी 2014 से इसके ऊपर ये वर्किंग कर रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम ये काम कर सकें। अब ये आगे वो बताता है कि ये बात जो ऊपर में ऊपर वाली बात है इसी को वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि असल में जो बात है कि 1993 के अंदर एक ओस्लो कार्ड होता है और उस ओस्लो कार्ड के तहत जो है अब क्या बताया गया है उसमें डिक्लेयर किया जाता है कि वेस्ट बैंक और गजा जो है वो इनसेपरेबल टेरिटरीज हैं, यानी कि ये दोनों की दोनों ये वाली और ये वाली इस अकॉर्ड के तहत ये क्या है एक दूसरे का हिस्सा है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। और इस चीज को क्या है अमेरिका ने भी और यूएसए ने भी तस्लीम किया था, और अमेरिका ने भी और इसराइल दोनों ने एक्सेप्ट किया था, और ये चीज आप मैप से देख सकते हैं। लेकिन अब ये क्यों इस तरह है आप देखें, वो कहता है कि ये जो गजा है ना सिर्फ ये एक ऐसी पट्टी है जिसकी वजह से जो फलस्तीनी है वो दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं मुझे यहाँ पर मैप लगाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लगाया, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम सही कहीं तो आप यही समझ लें कि यहाँ पर समुंदर है इस तरफ। तो वो कहते हैं कि गजा एक सिर्फ ऐसी पट्टी है जिससे लोग दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर और जब ये कनेक्ट हो सकते हैं तो मतलब ये इसका हिस्सा है तो वेस्ट बैंक वाले भी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या है अगर तो जो कह देता है कि इसको खत्म कर दिया जाता है गजा को फलस्तीन से अलग कर दिया जाता है वेस्ट बैंक को अलग कर दिया जाता है तो वेस्ट बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दुनिया से कट हो जाएगा। अब इसके दोनों तरफ एक तरफ इसराइल आ जाएगा और दूसरी तरफ कौन आ जाएगा जोर्डन आ जाएगा जिसके साथ इसके इतने अच्छे तल्लुकात नहीं है, तो यहाँ वाले जो लोग हैं वो एक जेल में कैद होकर रह जाएंगे। यहाँ पर उनका पहले तल्लुक था यहाँ से वो समुंदर था दुनिया के साथ कनेक्ट थे, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा गजा वाला हिस्सा उनके जैसे वो कोशिश कर रहे हैं पूरी इसको खत्म कर दिया जाए तो पीछे ये वाला हिस्सा बचा, तो यहाँ पर जो लोग वेस्ट बैंक के अंदर हैं वो तो फिर क्या हो जाएंगे एक किस्म के हो जाएंगे कैद खाने में कैद हो जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर वो सारी की सारी एक्सप्लेन करता है। आगे वो कहता है कि कंसंट्रेशन कैंप जो है गजा वो पहले कंसंट्रेशन एक गजा भी कंसंट्रेशन कैंप में कन्वर्टेड था,
और उसमें वो कहता है कि 2014 में एक रिपोर्ट आती है, ठीक है ना, जो कि मैट्स गिलबर्ट ने सबमिट की थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि तकरीबन 57% जो, या 57% जो गजा में रहने वाले लोग हैं उनके पास हाउस होल्ड फूड इनसिक्योर है। वो 80% वो हैं जो कि एड पर जो है, एड रिसिपियंट हैं, यानी कि एड लेते हैं, 80% वो लोग हैं। उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी है वहां पर, गुर्बत बहुत ज्यादा है, और 90% लोग ऐसे हैं जिनको ना तो पानी की सहूलत है और ना ऐसा पानी पी रहे हैं जो कि इंसानी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बताती है गजा की, यानी कि गजा के लोग तो पहले ही क्या है, कंसंट्रेशन सेल में रह रहे थे, बाकी बच के वेस्ट बैंक वाले थे। जब गजा वालों की तबाही करके उनको खत्म कर देंगे तो उनका तल्लक वेस्ट बैंक वालों का भी दुनिया के साथ खत्म हो जाएगा, तो वो भी कंसंट्रेशन सेल में आ जाएंगे। आगे वो कहता है कि यहाँ पर, वो कहते हैं यहाँ पर वो बात करता है आकर किसकी, डेमोक्रेसी की, ठीक है ना, कि डेमोक्रेसी की वो बात करता है यहाँ पर। वो कहता है कि अमेरिका जो है, जो प्रेजेंट जो बाइडन है, उन्होंने क्या किया है, डेमोक्रेसी की अच्छे तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं। क्योंकि वो कहते थे ना कि जो बाइडन जो था वो अगेंस्ट डिक्टेटरशिप था, और डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात करता था, हमेशा डेमोक्रेसी को क्या करता था, सपोर्ट करता था। और इस इक्वेशन को साबित करने के लिए वो हमेशा रशिया की और चाइना की बात करता था। रशिया को वो लिंक करता था यूक्रेन के काम में, और चाइना को लिंक करता था ताइवान के काम में। और इसी तरह ईरान के बारे में वो कहता था क्या है, एक डिक्टेटर है, और इसराइल को क्या कहता था, ये एक डेमोक्रेटिक जो है स्टेट है। लेकिन अब जो सूरत हाल बड़ी पड़ी है, तो अब इसराइल के जो एक्शंस हैं, क्या ये डेमोक्रेट स्टेट के एक्शंस हैं, यहाँ पर वो ये बात करता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो बाइडन की एक थी ना ऐसी ऐसी एक डेमोक्रेसी के खिलाफ बातें करने वाली काम, वो फारग थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आगे वो डेमोक्रेटिक अलायंस की फिर बात करता है, और इसी चीज को वो एक्सप्लेन करता है, और कहता है कि जैसा सऊदी अरेबिया जो था वो है, और इजिप्ट के जो मिलिट्री कोर्प्स हैं वो हैं। तो सऊदी अरेबिया के बारे में वो कहता है कि पहले ये ऐसे कहता था कि मोहम्मद बिन सलमान को ये कहता था कि वो एक कातिल है, किसका, जमाल कशगोई का। जमाल कशगोई कौन था, एक सऊदी अरेबिया का एक जर्नलिस्ट था जिसको तुर्की के अंदर, हाँ जी, तुर्की में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी वहां पर उसके जो बॉडी, जब वो उसको अंदर ले जाया गया वहां पर उसके जिस्म के टुकड़े करके, तो उसको यानी कि उसकी लाश भी नहीं मिली। तो उसका भी केस जो है पहले तुर्की में चलता रहा, फिर चला गया सऊदी अरेबिया की कोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में जो बाइडन पहले कहता था वो क्या है, किलर है, लेकिन अब जो बाइडन है उसी सऊदी अरेबिया को क्या करता है, गले मिलता है। तो ये सारा क्या है, कहते हैं यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है हर एक के। और इसके बाद वो कहता है 2024 के जो प्रेसिडेंशियल चैलेंज आ रहा है ना, जो बाइडेन को, उसके ऊपर भी उसको देखना पड़ेगा कि उसके ये वाले जो एक्ट्स वो कर रहा है उससे क्या असर पड़ने वाला है। यहाँ पर वो जाकर ईरान की बात शुरू कर देता है। ईरान में क्या है, वो शिया सुन्नी रिवैलिटी के बारे में बात करता है, और कहता है कि शिया सुन्नी रिवैलिटी जो है ना कई सालों से जो है वो चल रही थी, लेकिन जो सपोर्ट शिया वाले कर रहे हैं ना फलस्तीन वालों को, उससे क्या हुआ है, ये चीज सामने आ गई है कि वो रिवैलरी जो है वो इतनी खास नहीं है। और यहाँ पर वो एक बात करता है कि एक फिल्म है, फ्रेज है इन अ स्पेलिंग फिल्म, एक फिल्म होती है उसके अंदर रशिया का जो कोई स्पाई होता है, जासूस होता है, वो अमेरिकन को एक वर्ड बोलता है, और उस वर्ड का मतलब होता है स्टैंडिंग मैन। तो यहाँ पर स्टैंडिंग मैन को वो डिस्कस करता है, कहता है जो है ना वेस्टर्न मीडिया, वो जब भी बात करता है ना गजा वार की, तो वो कहते हैं कि ये गजा वार जो है ये दुनिया के अंदर एक्सपैंड हो जाएगी, और इसको एक्सपैंड क्यों होगी, कहते हैं ये एक्सपैंड होगी ईरान की वजह से, ठीक है, और सीरिया की वजह से, इनको रेफर करते हैं, और तुर्की की वजह से। इन तीन मुल्कों के बारे में वो बात करते हैं, सीरिया, ईरान और तुर्की की, कि इन तीन मुल्कों की वजह से ये जंग जो है वो फैलेगी। ये कौन कहता है, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न मीडिया ये कहता है, ये नहीं कहता कि हम जो काम कर रहे हैं, हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम वहां पर उनके बच्चे मार रहे हैं, उसकी वजह से ये जंग फैलेगी, नहीं, बल्कि वो कहता है ईरान की वजह से, सीरिया की वजह से, और तुर्की की वजह से ये जो जंग फैलेगी। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये, और खास तौर पर ईरान जो है वो स्टैंडिंग मैन है, ठीक है, वो खड़ा होता है, वो बात करता है, इस वजह से ये काम खराब होगा। सारे चुप रहे तो हमने जो करना करके घर वो चले जाएं तो जंग नहीं फैलेगी। अरब रूलर्स के बारे में बात करता है कि वो जो है वो हमास के मुस्लिम ब्रदर्स होते हैं, लेकिन उसको क्या है, कोई इतना खास नहीं है अरब्स के बारे में, कहता है कुछ नहीं होने वाला, ना उन्होंने कुछ मदद देनी है। यहाँ पर वो एक बार आगे जा बात करता है ईरान की और इसराइल की रिवाइलरी की, कहता है पहले यही दो जे थे, ये ऐसे थे जैसे दो सक्के भाई होते हैं, ईरान और इसराइल, कब,
जब इरानियन रेवोल्यूशन आया है उससे पहले पहले, उससे पहले ये ईरान और इसराइल दोनों एक भाइयों की तरह थे, सिबलिंग्स की तरह थे और इंटेलिजेंस तक शेयर करते थे। लेकिन जब वहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन आ गया तो यही दो भाई एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन बन गए। और फिर आगे शिया सुन्नी की बात जो कहलाता है, तो यहां पर वो यही बात करता है कि जो ईरान है फाइनली कहता है कि शिया सुन्नी के कंसल्ट से बाहर आ चुका है काफी हद तक। अब वो जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो जहां भी वायलेशंस हो रही हैं मुसलमानों की, स्पेशली जैसे फलस्तीन की बात है, तो वो खड़ा हो रहा है, वो बात कर रहा है, अरब जो है वो खामोश है। और ईरान को अब लेकर जो है वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि अगर खित्ते में जो है ये जंग फैलती है तो उसकी मेन जो वजह होगी वो ईरान होगी। तो जी ये थी आपका थर्ड ओपिनियन। अब हम चलेंगे फोर्थ ओपिनियन की तरफ, और फोर्थ ओपिनियन के अंदर वो बात करेगा एक साइंटिफिक किस्म का, ये होगा ओपिनियन, साइंस की बात है, फार्मिंग की बात है, फूड सिक्योरिटी की बात है, फार्मिंग एंड हेल्थ। यहाँ पर बेस फर्स्ट तो आपको बता दूं ये एक साइंटिफिक फूड सिक्योरिटी की बात है जो मेन इसके अंदर है। ठीक हो गया जी। तो इसमें काफी ज्यादा डाटा है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, लेकिन आपसे मैं ये कहूंगा कि आप इसको बहुत आसान लैंग्वेज में, ये वाला है इसमें कोई नॉट वेरी मच टफ, तो आप इसको एक दफा रीड आउट जरूर कर लें तो आपकी काफी चीजें जो है वो जो है बेहतर हो जाएंगी, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो बहरहाल फिर भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, बल्कि सेव भी कर लें इसको कहीं पर आप जो है आज के न्यूज़पेपर से लेकर, तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। फूड सिक्योरिटी की बात करता है, जो फूड सिक्योरिटी में कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉट नीड, ये सिर्फ जरूरत नहीं है, किस चीज की, सुफिशियंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड। आपको सुफिशियंट सेफ जो है और न्यूट्रिशन गजाइय से भरपूर खुराक देने में, प्रहम करने में सिर्फ ये अहम किरदार अदा नहीं करती, बल्कि फूड टू कहता है कि ये सिर्फ यानी कि पेट भरने में काम नहीं करती, खुराक जो होती है अच्छी वो सिर्फ आपका पेट भरने में अपना फायदा नहीं करती, बल्कि आपको एनसीडी, एनसीडी होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं जाती बल्कि आपके पास ही रहती हैं, उनको भी काउंटर करने में आपको मदद देती है। कौन? अच्छी खुराक। आगे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन सपोर्ट दिस गोल, इस गोल को जिसमें आपको अच्छी खुराक भी मिले और आपको जो है वो आप बीमारियों से भी बचें, तो वो वाली क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से आपको मिल सकता है। आगे वो कहते हैं कि मगर अनफॉर्चुनेटली जो कल्टीवेशन करते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस है ना वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है ना, अराउंड द ग्लोब के जो मौसमी तब्दीलियां हैं उनकी वजह से क्या हो चुका है, वो काफी लोग परेशान हो चुके हैं। और फिर एग्रीकल्चर की बात करता है कि जो एग्रीकल्चर है ना इसने, इससे क्या हुआ है, अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी, एक तो फूड की सिक्योरिटी को उसने अफेक्ट किया है ये मौसमों की तब्दीली की वजह से, और उसके बाद माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है कि आप एक चीज खाते हैं लेकिन उसमें इतनी गजाइत नहीं होती, जैसे आजकल आप कहते हैं ये चाइनीज केला है, चाइनीज जो है वो वाली है, हमने उनमें क्या कर दी है, इंजीनियरिंग कर दिया, खुमानी का साइज इतना बड़ा कर दिया, आड़ू का साइज इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आप जब उसको खाते हैं ना उसके अंदर टेस्ट है ना उसके अंदर जान है, लेकिन बड़ा ही बड़ा बदा बहुत प्रोफेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर माल न्यूट्रिशन है, खाने वाली चीजें इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हो गया इसके अंदर। आगे वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन 2023, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत वो कहता है, क्या बात करता है कि 345 मिलियन जो लोग हैं ना अराउंड द ग्लोब वो क्या कर रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी, 345 मिलियन, 345 मिलियन लोग जो है वो फूड सिक्योरिटी का शिकार है, यानी कि उनको खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है, इतने बंदे हैं ये। और दूसरी वो कहता है कि 783 मिलियन वो है ना जो एक्सट्रीम हंगर में रह रहे हैं, 783 मिलियन ये क्या है, एक्सट्रीम हंगर उनको फेस करनी पड़ रही है। और कहता है ये क्यों हो रहा है, व्हाई, ड्यू टू व्हाट, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। कहता है जंग की वजह से हो रहा है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट शॉक्स की वजह से हो रहा है, और हाई फर्टिलाइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं, हाई फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खादें उनकी वजह से हो रहा है। और फिर आगे वो बात करता है कि ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर जो है एवरी थर्ड पर्सन, हर तीसरा बंदा जो है, दो तीन हर जो तीसरा बंदा, वन टू और तीसरा बंदा जो आ गया है, वो तीसरा बंदा क्या है, उसको अच्छी खुराक नहीं मिल रही। और 2025 तक यही तीसरा बंदा दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वन और टू हर दूसरा बंदा, फिर थ्री और फिर फोर, यानी कि हर दूसरे बंदे को 2025 तक उसका ये हाल हो जाएगा कि उसको अच्छी खाने वाली खुराक नहीं मिलेगी। फिर वो आगे बात करता है कि 151 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो अंडर वेट है, यानी कि जब वो पैदा होते हैं तो उनका वेट जो है एक नॉर्मल बच्चे से कम होता है। और 38 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट जो है ओवर वेट है, यानी कि उनका वेट बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों चीजों में क्या होगा कि जब वो बड़े होंगे तो उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, हाइपर टेंशन हो सकती है, डायबिटीज, शुगर हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो ये सारी बीमारियों का फिर उनको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात करते हुए वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है यही सूरत हाल है। पाकिस्तान पांचवा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, और इसमें जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है ना, NCD, वो बढ़ती जा रही है। और तकरीबन 50 यहाँ पर जो 58% लोग जो बीमार जिनकी डेथ होती है वो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर ये जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-2030 की, ये यूनाइटेड नेशंस के हैं। आपके जो अपना करंट अफेयर का जो है और उसका करंट अफेयर पाक अफेयर उसका जो सिलेबस है उसका ये हिस्सा है CSS वालों का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, तो उसमें भी एक ये फूड वाला भी है। तो कहता है वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में और यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2016 एंड 2025, हर 10 साल को यूनाइटेड नेशंस कुछ डिक्लेयर करती है, तो उसको उसने क्या किया है, न्यूट्रिशन अच्छे खाने की खाने के लिए उन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि इस साल हम इस 10 सालों में हम ये काम करेंगे जी। उन्होंने इस चीज को एडवोकेट किया है, इस चीज के बारे में बात की है कि जनाबे अली एक अच्छा फूड सिस्टम जो है वो होना चाहिए जिससे क्या हो सके, लोगों को अच्छी खुराक मिल सके। और कहता है कि ये अचीव्ड बाय, यहाँ पर ये सारी सजेशंस हैं कि कैसे अचीव होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग इसको नेट से पढ़ लें और आप इसको पढ़ लीजिएगा, अपने पास सेव भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये वो वाले पॉइंट्स हैं दैट दे वेरिएबल नहीं होते, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। साइंटिफिक चीजें जो होती है ना वो चेंज नहीं होती है। बाकी जो ओपिनियन जो होते हैं उनमें एक आपकी मेच्योरिटी जो होती है उसको अपग्रेड किया जाता है, आपको एक नई डिमेंशन बता दी जाती है, तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है। लेकिन ये होते हैं याद यूज करने वाली चीजें। तो ये आप लोगों ने जैसे आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ जाता है, ऐसे आपका फूड सिक्योरिटी के ऊपर आ जाता है, तो आप वहां पर इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे अचीव हो सकता है, अब आप सुनते हैं अचीव कैसे हो सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, बेटर स्पीशीज ऑफ सीड, अच्छी किस्म के जो आप लें बीज उससे, सेंसिबल फर्टिलाइजर, अच्छी खाद डालें, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर, इनका एक आप क्या करें एफिशिएंट यूज करें इन सब का। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कुदरती खाद डालें आप लोग, रिड्यूसिंग सोयल पीएच और जो जमीन की एसिडिटी है उसको कम करें, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और जिंक इन द सोयल, सोयल जमीन के अंदर जो है उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं, जिंक की अवेलेबिलिटी को और आयरन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दें, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो इस सब से क्या होगा कि आपकी जो जमीन है जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और वहां से जो खुराक पैदा होगी वो अच्छी खुराक पैदा होगी, उसमें न्यूट्रिशन होगा और वो आपको हेल्प करेगी, गजाइत से भरपूर होगी। आगे वो प्लांट ग्रोथ की बात करता है और प्रोडक्शन की, कि कोई भी प्लांट है जब वो कैसे अच्छे तरीके से ग्रो करता है, कैसे अच्छे तरीके से प्रोडक्शन देता है उसकी बात करता है। कहता है 95% जो फूड होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो 95% जो है वो सोयल न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है कि सोयल के अंदर कितने न्यूट्रिशन अच्छे हैं तो उससे खुराक अच्छी बनेगी, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए कहते हैं अक्सर केमिकल स्प्रे की जाती है जो कि फायदा तो देती है लेकिन पेस्टिसाइड्स को एंटीबायोटिक्स को मारती तो है लेकिन उसके साथ साथ इसके नुकसान भी होते हैं। और नुकसान क्या होते हैं कि नुकसान के अंदर वो कहता है कि इससे जो न्यूट्रिशन हैं वो जो है वो डैमेज हो जाती हैं। और उसके अलावा आगे वो बात करते हुए कहते हैं कि तकरीबन 2 लाख के करीब जो डेथ्स हैं एनुअली जो हो रही हैं वो इन्हीं वजह से हो रही हैं कि आप लोग वहां पर बहुत ज्यादा खादें डालते हैं, बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, बाद में लोग उन्हीं को खाते हैं और जिसकी वजह से लोगों की
बाद में इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। क्यों कह रही, आगे वो आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कन्वेंशनल फार्मिंग। कहता है कि एक और चीज है कि जो एनवायरमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर वो बात कर रहा है फार्मिंग की और हेल्थ की, कि किस तरह से जो फार्मिंग के मेथड्स हैं वो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि पहले लोग तो 90 साल तक 100 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन आजकल लोग 40 साल तक 50 साल, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। क्यों कम हो गया लोगों की, हम ये वाली चीजें खा रहे हैं जो कि खाद जिनके ऊपर लगी हुई है, और जापान वालों की क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो इसको कम खाते हैं, उनको वहां पे ये सफाई सुथराई रखी जाती है, पानी बॉयल करके पिया जाता है, उनकी फार्मिंग में साफ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, तो इस वजह से उनकी लाइफ जो लॉन्ग हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर वो एक और बात करता है, वो कहता है इन्वायरमेंट की बात करता है कि इन्वायरमेंट का फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जब भी हम क्या करते हैं, कोई चीज उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं इकोनॉमी को, देखते हैं कि कितने पैसे हमारे लगेंगे, ठीक है ना। तो कहता है इससे भी क्या होता है कि इन्वायरमेंट खराब होती है, जैसे मैं बताया इफेक्ट फूड सस्टेनेबिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को कम हो जाती है, प्लांट की न्यूट्रिशन कम हो जाती है, इसके अलावा हम पानी ज्यादा लगा देते हैं, एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी इन्वायरमेंट भी खराब होती है। आगे कहता है कि सस्टेनेबल अप्रोच जो है वो हम लोगों को जो है अपनानी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जमीन को जो बेहतर करना चाहिए, और इसके अलावा अच्छी सॉइल का इस्तेमाल, जमीन का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन को प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर अच्छी खादें और प्रॉपरली जितनी जरूरत है उतनी ही खाद डालनी चाहिए, उससे क्या होगा, और स्प्रे कम से कम करना चाहिए जितना जरूरत है, कंसंट्रेशन के साथ स्प्रे करना चाहिए, उससे क्या होगा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपको उर्दू में बताता जा रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर आप इसको जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये साइंटिफिक है, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस इज अनदर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। क्लाइमेट की जो कहता है चेंजेस हो रही हैं वो एक और थ्रेट है। क्या हो रहा है जी, ये क्लाइमेट चेंज जो है ग्लोबल वार्मिंग का, ऐसे आपका ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्लाइमेट चेंज में, ठीक हो गया जी। उसमें क्या है जी, टेम्परेचर जो है वो कहीं बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है, बारिश कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं थोड़ी हो रही है, कभी हो रही है पिछले साल इन महीनों में होती है, अगले साल अगले महीनों में जाके हो जाती है, पैटर्न चेंज हो जाते हैं, तो इन सब से क्या हो रहा है, एक तो यानी कि कहत पड़ रहा है और उसके अलावा उसकी फूड की क्वालिटी जो है वो भी खराब हो रही है। तो ये चीजें जो सारी की सारी हैं, इनको हमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट क्लाइमेट चेंज अडेप्टन करना, हमें नए नए मेथड इस्तेमाल करने चाहिए ताकि ये जो क्लाइमेट जो है ये कम से कम असरअंदाज हो सके। और आगे कहता है कि अगर हमने एग्रीकल्चर को बेहतर करना है तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमन हेल्थ को और उसके साथ साथ जो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके साथ अटैच करना चाहिए, जो भी सेफ्टी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जो भी हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं हमें देखना चाहिए क्या कहीं कैसे क्या इनसे इंसानी जो सेहत है वो तो नहीं खराब हो रही। और कहता है कि पॉलिसी मेकर्स तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, पॉलिसियाँ बनाई तो जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, तो ये चीजें जो है वो देखनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी चाहिए। इस तरह की बात उसने इसके अंदर डिस्कस कर दी है सारी की सारी। ये है फार्मिंग और हेल्थ। आगे चलते हैं तालमेल शैडो नंबर आपका ये है 4 ओपिनियन लास्ट वन है जी। कमेंट आपने जरूर करने हैं, कमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर जरूर करेंगे क्योंकि यही चीजें हमें इनकरेज करेंगी। तालिबान शैडो में बेसिकली वो बात करेगा कि सिर्फ अफगानी ही, जो उसका क्रक्स बात करने का, अफगानिस्तान को सिर्फ अफगानी ही बेहतर कर सकते हैं, ना तो पाकिस्तान बेहतर कर सकता है और ना तालिबान बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो रिलेशंस की बात करेगा बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड तालिबान, इन सबको वो इसके अंदर एड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ हद तक हो जाएगा आइडिया के व्हाट इज हैपनिंग इन देयर। कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ना, इनके रिलेशन शुरू से कम्प्लेक्स ही रहे हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से मिस हैंडल किया है, अच्छे तरीके से हैंडल ही नहीं किया, फेल हो गए हैं दोनों तरफ, अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी खराब हो जाती है दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, तो ये इनकी बड़ी पुरानी जो है ये आदत है, और इससे क्या होता है कि इन दोनों के जो दुश्मन है वो फायदा उठा लेते हैं, जैसे इंडिया है और अमेरिका है। कहता पाकिस्तान को क्या है कि अब एक साउंड स्ट्रेटजी की जरूरत है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डील विद रिलेशनशिप, उससे कैसी, जिससे सिक्योरिटी, इकोनॉमी और फ्यूचर पॉलिटिकल जो है ना वो स्टेबिलिटी जो है वो गेन हो सके। आगे वो बात करता है कि हिस्ट्री की, कि जो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना
वो क्या है कि दोनों की काफी हद तक शेयर है, मिलती जुलती है। और इसमें वो जिक्र करता है किसका, कि हमारी जो आइडेंटिटीज हैं वो ओवरलैप करती हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटीज ओवरलैप करती हैं हमारी, बॉर्डर हमारा वो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इसके अलावा दो हम एथनिसिटी डिवाइडेड हैं, तो काफी चीजें ये उसके अंदर डिस्कस करता है, जिसमें ये कुछ इंपोर्टेंट वन थी कि हम बयात उसका मकसद करने का ये है कि हम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, शेयर्ड है, ठीक है ना। और इसके अलावा कहता है कि हम दोनों के दोनों जो है वो एक्सटर्नल पावर्स के सबऑर्डिनेट भी रह चुके हैं, कि दोनों जैसे पाकिस्तान बनने से पहले भी क्या था, यहाँ पर एक्सटर्नल पावर्स थी, इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर भी एक्सटर्नल पावर्स थी, ठीक है ना। और फिर क्या है, उन जंगों का शिकार भी रह चुके हैं, कि पाकिस्तान में कई दफा जंग लग चुकी है और वहां पर भी कई दफा जंग लग चुकी है। तो इसकी वजह से दोनों जो स्टेट्स हैं उनकी जो है जो सोशल स्टेट जो है ना, उनकी डोमेस्टिक डायनामिक्स वो काफी हद तक तबाह भी हुए हैं। फिर वो आगे बात करता है कि पाकिस्तान में ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन किया जाता है कि हमने हमेशा अफगानिस्तानियों की क्या की है, मदद की है, लेकिन अफगानी जो है ना उन्होंने कभी हमें थैंकफुल नहीं कहा, ठीक है ना। ये हमेशा अक्सर कहा जाता है कि यार देखो हम लोगों ने इनकी हमेशा से, जब भी ये पाकिस्तान में आते हैं जंग लगी है, हमने कभी इनसे ना पासपोर्ट पूछा ना वीजा पूछा, दरवाजा खोला आ जाओ भाई वेलकम, हम इनको हमेशा की है। लेकिन इसके बावजूद जो अफगानिस्तान वाले हमेशा जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही बात की है, यहाँ तक कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी जो है फायरिंग होती रहती है। तो कहता है कि वाकई ये बात, कहता है कि मेरे ख्याल में वाकई ये बात सही है। फिर बाकी कहता है कि अफगानिस्तान वालों ने आजादी हासिल की सोवियत ऑक्यूपेशन से, सोवियत यूनियन से, और उसके बाद जो पाकिस्तान के जो फॉरन मिनिस्टर अपना रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर पीछे गुजरे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी जो चेन थी, जो चेन थी अपनी उनकी गुलामी की, उन्होंने तोड़ दी, ठीक है ना। लेकिन वो कहता है कि वहां से आजादी की हासिल की तो फिर क्या हुआ, फिर एक और सुपर पावर आ गया अमेरिका, जिसमें वहां पे वो फंस गए, फिर वहां से उन्होंने आजादी हासिल की, ठीक है ना। और कहता है इस दोनों प्रोसेस के अंदर, पहले भी जब आजादी हासिल की थी और बाद में भी जब आजादी हासिल की थी, किसने मदद की थी, पाकिस्तान ने मदद की थी उनकी, तालिबान की थी, ठीक है ना, इनके अफगानिस्तान वालों की, तालिबान वालों की, तो उनकी मदद किसने की, पाकिस्तान ने की, ये बाकी रियलिटी है। और हमने हमेशा उनका क्या किया है, उनकी मदद की है, और उन्होंने हमेशा हमें नुकसान ही बचाया। जैसे अभी तालिबान की गवर्नमेंट है वहां पर और टीटीपी क्या कर रही है, पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही है टेररिस्ट, और हम उनको कह रहे हैं यार ये देखो इनको रोको, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो यही होता है ना, लेकिन हमने हमेशा उनकी मदद ही की। फिर वो असल कहता है कि असल में जो तालिबान है ना, लिबरेटेड एक्सेप्ट थ्रू लेंस नैरो नेशनल रिजिम, कहता है वो आजाद हुए ही नहीं है असल में, क्यों, क्योंकि उनका जो है ना बड़े वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, एंटी अमेरिकन है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म है। तो असल में हकीकत ये है कि तालिबान के अंदर, अंडर तालिबान रूल अफगान आर अंडर गोइंग प्रिजन लाइक रजिस्टर, कहता है कि अब असल में जो अफगानी की बात कर रहे हैं कि वहां पर जो अफगानिस्तान में अफगानी रहते हैं ना जनाबी अली, वो आजाद हुए ही नहीं है, पहले तो वो सुपर पावरें थी और अब जो अब कहाँ पर जो तालिबान आए हैं उनकी वजह से वो एक जेल खाने में रह रहे हैं, कौन, जो अफगानी लोग हैं जेल में रह रहे हैं। अगर वो वहां पर देखें, अगर इतना ही हालात अच्छे होते तो आप लोगों को वापस भेज देंगे तो लोग खुशी खुशी जाते, लेकिन लोग जो है रो रो के जा रहे हैं, क्यों, उनको पता है वहां पर क्या होना है, तालिबान कैसे डील कर रहे हैं लोगों को। उसमें वो बताता है कि किस तरीके से लोगों के राइट्स की वायलेशन होती है, स्पेशली उन्होंने क्या वुमेन्स के राइट्स की वायलेशन किस तरह से हुई है, तो इसके बारे में वो बात करता है। फिर वो आगे कहता है कंट्रोडी टू वट पाकिस्तानी थिंक्स, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, अफगान तालिबान फाइट्स वाज नॉट फॉर द अफगान। अब कुछ कहता है कि हम पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि जो तालिबान की जो लड़ाई थी ना, अफगान तालिबान की लड़ाई, वो जो थी अफगानियों के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी पावर के लिए थी, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी के लिए थी, और इसी वजह से जो था कंफ्लिक्ट क्या था, बिटवीन अफगान और तालिबान था। इस लड़ाई किसकी थी, अफगानियों के दरमियान थी और तालिबान के दरमियान थी, क्यों, क्योंकि ये लड़ाई जो थी इसमें तालिबान एक अपनी हुकूमत चाहते थे। कहते हैं इट इज ट्रू द तालिबान हैड अ फॉलोइंग अमंग रूलर पुअर स्पेशली इन पख्तून एरियाज, कहता है कि ये बात ठीक है कि तालिबान को कुछ फॉलोइंग है, आप कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, और उसी तरीके से जिस तरह से रूलर पुअर जो हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी कई ऐसी चीजें हैं जो लो इनकम लोग, अनएजुकेटेड लोग हैं, तो वो ज्यादातर जो ये रिलीजियस और रिलीजन को मौलवी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ज्यादा चीजों का पता नहीं होता। तो आगे वो कहता है कि सो वाई वुड अफगानिस्तान एजुकेटेड फॉर फेवर द तालिबान, डू दे डिजर्व और एस्पायर टू एनीथिंग लेस। और फिर आगे वो बात करता है 20 साल की जो गुजरे हैं,
कहता है इन 20 साल के अंदर जब वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी, अमेरिकन थे, तो वहां के लोगों ने काफी एजुकेशन हासिल की, वो एजुकेटेड हो गए, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज मिली, उनको आजादी मिली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला, ठीक है ना, पॉलिटिक्स के अंदर भी उनको जो है कुछ हद तक हिस्सा मिला। नो डाउट कहता है वहां की जो लीड थी वो करप्ट थी, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को ये कुछ राइट्स मिले। लेकिन जब अब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो ये सारे के सारे राइट्स जो है ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे वो बात करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम, उसने ये कहा है कि बहुत सारे वहां पर ऐसे ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर जो उनको जिनके जो तल्लुकात हैं वो तालिबान से मिलते हैं, और उनमें से वो कहता है तरीके तालिबान पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो वो कहता है कि तालिबान को क्या चाहिए कि इनके खिलाफ जो है कुछ, तालिबान टू एक्ट अगेंस्ट देम, वी कैन नॉट बैंक ऑन, हम उनको कुछ ये नहीं कह सकते तालिबान को जनाबी अली इनके खिलाफ आप लोग जो है कह तो रहे हैं लेकिन वो करेंगे कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे, जो मैंने पीछे भी बात की सारी बात में कोर रिलेट होती, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान के तालिबान को, कब, जब अमेरिका जो है वो अमेरिकन वार के अंदर जब अमेरिका में जंग लगी हुई थी, तो अफगानिस्तान के तालिबान थे उनको किसने सपोर्ट दी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने। लेकिन अब जब वहां पर जंग खत्म हो चुकी है और वहां पर उनकी गवर्नमेंट है तो वो अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों को, इसलिए अब आप उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपकी मदद करने वाले हैं। आगे वो कहता है कि तालिबान जो है वो कंट्रोल तो कर सकते हैं अफगानिस्तान को, पर उसको डोमिनेट नहीं कर सकते, मच लेस स्टेबलाइज नहीं कर सकते, ना तो डोमिनेट कर सकते हैं ना स्टेबलाइज कर सकते हैं। और उसमें फिर वो कहता है कि फॉल्ट लाइंस कुछ ऐसी हैं, और उन फॉल्ट लाइंस की बात वो करते हुए कहता है कंपेटिटिव जियो पॉलिटिक्स एंड रीजनल पॉलिटिक्स एंड इट्स कंफ्लिक्ट प्रोन इंटरनल मेकअप, कि कोई ऐसी चीज है यानी कि जियो पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं ना वो अभी तालिबान, तो इस सूरत हाल में क्या है कि वो जो है वो अफगानिस्तान को स्टेबल नहीं रख सकते, उसको वो डोमिनेट तो कर रहे, यानी कि वो अपना उसको कंट्रोल तो लोगों को रखेंगे लेकिन उनको डोमिनेट नहीं वो कर सकते। आगे वो कहता है पाकिस्तान व्हाट आर द ऑप्शन, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान उनको स्टेबलाइज नहीं कर सकता अफगानिस्तान को, सिर्फ अफगानी ही अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मगर कहता है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है इनके साथ, पाकिस्तान मस्ट वर्क विद रीजनल कंट्रीज टू अवॉइड इनस्टेबिलिटी देयर, मगर पाकिस्तान क्या कर सकता है जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ वर्कआउट कर सकता है टू इनस्टेबल टू प्रोड्यूस एनी इनस्टेबिलिटी इन द रीजन और इन द अफगानिस्तान। लेकिन अब अपना अफगानिस्तान जो है उसको कौन स्टेबल कर सकते हैं, सिर्फ अफगानी लोग ही स्टेबल कर सकते हैं, कैसे, कि वो किसी ना किसी तरीके से तालिबान से जो है पीछा अपना छुड़वा लें, तो देन ही दैट इज पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे वो कहता है कि तालिबान अफगानिस्तान वो नॉट ब्रिंग अस इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, और फाइनली वो कहता है कि किसी किस्म की आप जो है ऐसे जो तालिबान अफगानिस्तान है उसे किसी किस्म की आप ऐसी उम्मीद ना रखें कि वो आपको कोई इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दे सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा काम करें कि उनसे बिल्कुल ही आप तल्लुकात खत्म कर दें, नहीं, आप उनको साथ लेकर चलें, ठीक है ना, लेकिन उनको छोड़ें भी ना, लेकिन उनको साथ भी चलें लेकर भी चलें, शॉर्ट टर्म बस उनके साथ आप लोग प्लान रखें, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ क्या करें, शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर काम करें, लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर वो आपको कोई फायदा देने वाले नहीं है। तो जनाबे अली ये थे आज के ओपिनियंस, और आप लोगों ने इसको कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नो, और बाइकआउट जरूर करना है अपने इसराइल का, एंड थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, हैव अ गुड डे जी।